सर थोड़ा पास आ जाइए। आज अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हेमा गांव है जो कि जैसलमेर के रामगढ़ के पास में स्थित है। रामगढ़ से थोड़ा आगे चल कर नेची गांव है और उसके आगे ये हेमा गांव आता है। यहाँ पे एक शानदार वाटर कंजर्वेशन का जो रेगिस्तान के अंदर है उसका एक पुराना मेथड है जो कि आज भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरा गांव उसी से पानी पीता है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे ये एक जो है कुएं का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ लोकल में ये छोटे कुएं होते हैं जिनको कि बेरी कहते हैं और इस तरीके से यहाँ पे ये चार पांच यहाँ पे लाइन से आप देखेंगे कि छोटी छोटी बेरियाँ बनी हुई हैं। तो इन बेरियों की खासियत ये है कि ये एक लो लैंड जो है आसपास का उसमें पुरानी एक रिवर बेड है उसके अंदर ये बेरियाँ बनी हुई हैं और इसके अंदर जो है आपको कोई भी किसी भी तरीके का आसपास देख सकते हैं कि पूरा सैंड ड्यून्स हैं और जो है फ्लैट स्टोन प्लेट्यू है। और बारिश यहाँ पे पिछले साल हुई थी उसके बाद अभी तक यहाँ बारिश हुई नहीं है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो अभी भी इसमें पानी है और पानी तकरीबन 6 से 7 फीट के गहराई में ही पानी है। आपको मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ कि ये हमारे पास में पानी निकालने का एक देसी जुगाड़ है यहाँ पे गाँव वालों का, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा गहराई नहीं है इसलिए जो अपना घिरनी होती है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है। ये देखिए और ये एकदम साफ और क्लीन पानी है और गांव वाले इसको आज भी मेंटेन करके चल रहे हैं जो आप देख सकते हैं। ये देखिए तो ये एक बहुत ही पुरानी जो वाटर कंजर्वेशन तकनीक थी थार मरुस्थल की, ये उसका एक जीवंत उदाहरण है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। और अभी इनको कुछ सालों पहले रामगढ़ के चतर सिंह जी जाम है जिन्होंने कि यहाँ पे इसको पूरा जीर्णोद्धार करवाया इन बेरियों का गांव वालों के साथ मिलके, और काफ़ी इसका जो है क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत अच्छे से ये